आज के मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। चर्चा में हमारे साथ जैन समाज के प्रतिनिधि और संथारा समर्थक सीएल जैन साहब हैं। जैन समाज के वकील हेमंत सोगानी जी इस चर्चा में हमारे साथ हैं। पूर्व जस्टिस पानाचंद जी जैन हमारे साथ होंगे, साथ ही अखिल भारतीय जैन जागृति परिषद के महामंत्री मानचंद खंडेला जी बातचीत में हमारे साथ होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए कुछ रिएक्शंस है, शुरुआत में आपको वो दिखाते हैं। अभी समाज को एकजुट होकर के इस फैसले के ऊपर ऊपरी अदालत में विचार करना चाहिए और सही तरीके से इस विषय को अदालत के बीच प्रस्तुत करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से इसे प्रस्तुत किया जा रहा है ये साधना वैसी साधना नहीं। तपस्या का अंतिम रूप मृत्यु ने, मृत्यु पर्यंत मुझे तपस्या करना, ये हमारा उद्देश्य है। एक आदमी भोगते हुए और कराते हुए मरता है और एक आदमी तपस्या करते हुए मरता है। हमारी संस्कृति हमें तपस्या करते हुए मरने की बात करती है। माननीय न्यायालय ने जो ये डिसीजन दिया है वो धर्म की भावनाओं के ऊपर एक ठेस पहुंचाई है इन्होंने, क्योंकि भारतवर्ष जो देश है वो पूरी तरह धर्म पे आधारित है और यहाँ का हर प्राणी हर जीव धर्म को सर्वप्रथम मानता है और धर्म के अंदर जो लिखा है वही हमारा मानना है और उसी दिशा निर्देशों पर हम चलेंगे। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि यदि अनशन पर बैठा हुआ इंसान यदि मर जाए तो क्या आत्महत्या करेंगे क्या, या अनशन कराने वाले लोगों को क्या आप जेल में भेजेंगे, क्या उनको उनके खिलाफ अपराध दर्ज करेंगे? इसी तरह से ये विनोबा भावे ने भी समाधि के दृष्टिकोण को बहुत दिया है। इसलिए मेरे दृष्टिकोण में जो लोग आत्मा में विश्वास करते हैं, जो आत्मा में नहीं समझते हैं वो तो सोच नहीं समझेंगे, लेकिन जो आत्मा में विश्वास करते हैं, आत्मा और शरीर अलग अलग है। तो जो इंसान केवल शरीर से मोह रखता है उसकी दुखों से तकलीफ पाकर संतरा लेता है। इस चर्चा में अब वरिष्ठ अधिवक्ता पीसी जैन साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत है। और सबसे पहले मेहमानों से संथारा को लेकर पीसी भंडारी साहब, बिल्कुल आपका स्वागत है भंडारी जी। सबसे राय जानना चाहूँगा, शुरुआत सील जैन साहब आपसे करना चाहेंगे और समझना चाहेंगे संथारा को लेकर जैन समाज का जो तर्क है कोर्ट के फैसले को लेकर। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया है, इस फैसले से संपूर्ण जैन समाज आश्चर्यचकित और हतप्रभ शॉक्ड है। हम इस निर्णय के विरुद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय में जैन समाज अपील करेगा। संथारा, समाधि मरण, संलेखना, ये पर्यायवाची शब्द हैं, हजारों लाखों वर्षों से चली आ रही ही विधि है। जब किसी व्यक्ति का शरीर जर्जर हो जाता है, इंद्रियां शिथिल हो जाती है और वह स्वतः अपना काम करना बंद कर देता है, स्वतः भोजन पानी लेना बंद कर देता है, ऐसी अवस्था में आत्मकल्याण हेतु क्रम क्रम से भोजन, फल, रस एवं जल व्यक्ति त्याग कर देता है और जैसा जैन दर्शन में पूर्व में निश्चित मृत्यु का दिन होता है उस दिन अपनी मृत्यु को वरण करता है। तो ऐसी ये परंपरा है, ये स्वस्थ चित्त स्थिर बुद्धि से किया जाता है। इसको आत्महत्या मान लेना एकदम गलत है, क्योंकि आत्महत्या आवेश और अवसाद में की जाती है, उठाया हुआ कदम होता है, जबकि ये एक निरंतर, जबकि संलेखना, समाधि मरण, संतारा वर्षों, महीनों और दिनों तक चलने वाली निरंतर प्रक्रिया है। जबकि आत्महत्या में यदि उस अवस्था को टाल दिया जाए, उस आवेग या डिप्रेशन को टाल दिया जाए, तो व्यक्ति आत्महत्या करने का निर्णय कैंसिल कर देता है, उसको स्थगित कर देता है। चलिए, धर्म की ये राय है। इस बीच में हेमंत सोगानी साहब, कानूनी तर्कों में कोर्ट ने खास तौर पर माना है कि जैन समाज ये साबित नहीं कर पाया कि परंपरा प्राचीन है और जैन समाज के पुरातन जो रीति रिवाज है उनका हिस्सा है, ये सबसे बड़ा तर्क कोर्ट ने इस फैसले में दिया।
इस पर आप क्या कहेंगे? निहायत आशाजनक बिंदु है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष जो जनहित याचिका प्रस्तुत हुई, उसमें ये कहा गया कि संलेखना या संधारा आत्महत्या के उद्देश्य से किया जाता है और वस्तुतः ये आत्महत्या ही है, और जिस प्रकार से सती प्रथा एक कुप्रथा के रूप में है, उसी प्रकार से इसको भी एक कुप्रथा मानते हुए निषेधित किया जाना चाहिए और इस पे आपराधिक प्रकरण चलना चाहिए। जिन व्यक्तियों को अपराधी बनाया गया, उन्होंने अपने जवाब में न्यायालय के समक्ष ये स्थिति स्पष्ट की कि जैन समाज किसी भी प्रकार की हत्या में विश्वास नहीं करता। एक छोटे से छोटे प्राणी की भी हत्या करना जैन समाज में पूर्णतः निषेध है। जैन समाज के जो यानी मुनि आरिका हैं और जो विशेष रूप से जब अधिक आयु को प्राप्त कर लेते हैं और जिनका अपना जन्म सुधारने की प्रक्रिया प्रारंभ करना अधिक आवश्यक हो जाता है, वो संलेखना संधारा व्रत को धारण करता है। उस धारण करने की प्रक्रिया में कहीं भी किसी भी प्रकार से मौत को आमंत्रित करने की प्रक्रिया नहीं है। किसी भी प्रकार से कोई ऐसा कार्य नहीं किया जाता कि जिससे मौत उनके नजदीक आ सके या मौत को वरण करने का कोई संकल्प हो। इसके लिए जैन धर्म कौन लेगा, इसको लेकर भी कोई क्लासिफिकेशन दिया हो? मैं कोई जी इसी बात को निवेदन कर रहा था कि इस बात को समझने के लिए जैन धर्म के मूल सिद्धांतों को समझना जरूरी है। जैन धर्म त्याग संस्कृति पर आधारित है। प्रत्येक अवस्था में जैन धर्मावलंबियों का प्रत्येक कार्य त्याग पर आधारित है। हम शरीर को मात्र धर्म साधना का एक साधन मानते हैं जी। शारीरिक सुख की कभी कल्पना नहीं करते और निरंतर इस बात के लिए प्रयत्नशील रहते हैं कि हम अपने इस शरीर का उपयोग धर्म साधना में करते रहें जी। और यही क्रम हमारा हमारे जीवन के अंतिम क्षण तक चलता रहे, अंतिम सांस तक चलता रहे, इसीलिए संलेखना व्रत को धारित करते हैं। संलेखना किसी भी प्रकार से इस उद्देश्य से नहीं की जाती कि हमें आत्महत्या करनी है। आत्महत्या को जैन धर्म ने पूर्णतः प्रतिबंधित किया हुआ है। कोर्ट ने इसको आत्महत्या माना है, सती प्रथा के बराबर माना है। पीसी भंडारी साहब, इसी बात को लेकर आऊंगा, कोर्ट का क्या तर्क रहा होगा आपके हिसाब से? क्योंकि सती प्रथा के बराबर माना गया, धारा 309 और 306 के तहत इसको जोड़कर देखा गया। कोर्ट ने, मुझे ऐसा लगता है कि ना तो जो आर्गुमेंट्स है उन पर पूरा उन्होंने डिसीजन दिया। उन्होंने 309 माना है, 309 है सुसाइड है, 306 होता है कि इंस्टिगेट करे कोई आदमी और दूसरा आदमी मर जाए तो 306 होता है। ये दोनों लागू नहीं होते हैं। संथारा के बारे में ना तो जिसने याचिका की थी उसने आगमों का अध्ययन किया ना उसको देखा, बिना किसी स्टडी के बिना किसी रिसर्च के ये रेट लगा दी गई। और कोर्ट ने भी इस पर गहन अध्ययन नहीं किया, जो आर्गुमेंट होते उनको नहीं देखा गया। संथारा होता क्या है? देखिए, संथारा कोई व्यक्ति कभी भी ले सकता है। जिस दिन उसको ये हो जाए, ना जीने इच्छा हो ना मरने की चाह जिस आदमी की हो, अपनी अपने ममत्व सारा समाप्त हो जाए उस, और ये जीवन की उसकी एक आखिरी तपस्या होती है। क्योंकि हमारे जैन धर्म के अंदर बहुत सी तपस्या होती है, एक दिन का उपवास, दो दिन का उपवास, एक महीने का उपवास, कई तरह होती है। लेकिन संथारा एक ऐसा है जो एक अंतिम तपस्या है, और एक व्यक्ति और ये संथारा लेने के लिए कोई मामूली काम नहीं है, हर एक की बस की नहीं है। जिस दिन अपने जीवन से मोह समाप्त होगा आपका, इसी भंडारी साहब से देखिए, एक दिन जी, और मैं बताऊं, थोड़ा दो मिनट बता दूं आपको जी। जब मोह समाप्त होगा और उसको इच्छा होगा मुझे करना है, तब वो आदमी कॉन्शियस होना चाहिए, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जब उसकी इच्छा हो जाएगी तब गुरु महाराज आएंगे या जो स्वाध्याय आएंगे वो आएंगे, और वो उसको पूरा एक सवा घंटे का पूरा पचकान कराएंगे, क्या भैया आप ये ले रहे हो, सारा देखेंगे उसको। उसके बाद सारे जीवों से क्षमा मांगता है, जिनसे पाप किया उनसे क्षमा मांगता है, जिनसे कर्ज है वो कर चुकाता है, कभी धोखा दिया तो वो बुला के माफ़ी मांगता है। ये सारे काम करने के बाद के अंदर एक या तो अपने धर्मस्थल पर या जंगल में या जहाँ शांतिपूर्ण स्थान हो वहाँ पर जाकर के वो इस प्रकार करता है। चलिए मैं जैन ग्रंथ मूलाराधना का एक जिक्र करना चाहूंगा, जिसके मुताबिक अगर संथारा को लेकर कहा जाता है, हाई कोर्ट ने हमारे आगम को देखा ही नहीं। हाई कोर्ट ने मूलाराधना का जिक्र करना चाह रहा हूँ पीसी भंडारी साहब, उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि जो असाध्य रोग से पीड़ित है, जो वृद्धावस्था में चला गया है या फिर जो जिसमें देखने सुनने की शक्ति नहीं रही है, वही सिर्फ संथारा लेने का अधिकारी होगा। मूलाराधना गलत है,
जैन ग्रंथ की बात कर रहा हूं मैं। ये धारणा बिल्कुल गलत है, ये जिससे भी बनाई धारणा ये बिल्कुल नहीं है। मतलब ग्रंथ ही गलत है, ये धारणा गलत है। नहीं तो ग्रंथ ग्रंथ पे लिखा हुआ है ना, ये धारणा गलत ऐसा नहीं है। नहीं तो क्या मतलब ऐसा नहीं है, इसको गलत मान रहे हैं आप कहना जिस दिन सवाल यार आप सारी बात सुनिए कर रहे हैं निजी तर्कों की बहस नहीं है। मानचंद खंडेला साहब, मानचंद खंडेला साहब आपको मौका दूंगा, आप अपनी राय रखिएगा। पीसी भंडारी साहब अपनी बात कीजिए। मूल आराधना का जिक्र किया था मैंने, उसमें जो लिखा गया है क्या वो तर्क गलत है? फिर देख मैं गलत नहीं कह रहा, वैसे मैं आपको बता रहा हूं आपको, जिस दिन ममत्व समाप्त होगा, जिस की भावना जागृत होगी उस दिन होगा, वो चाहे कैसी स्थिति हो, चाहे वृद्धावस्था हो। कोर्ट ने इन बिंदुओं को मेरे ख्याल से चैलेंज किया होगा। पानचंद जैन साहब आपके पास मैं आना चाहूंगा, क्योंकि जो कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है राय को लेकर, कम से कम एक तरफ मूल आराधना का जिक्र किया, जो जैसे की जानकारी मिली जैन साहित्य के जो जानकार है वो इस बात का तर्क देते हैं, दूसरी तरफ कोर्ट ने यह भी माना कि ये संथारा प्रथा, ये संलेखना जिसको कहा गया है वो लंबा इतिहास उसका ऐसा नहीं लगता, इस कारण से इसको जो भी तर्क कोर्ट के सामने आए उसके आधार पर 306 और 309 के तहत अपराध की श्रेणी में रखा गया। आपकी क्या राय? देखिएगा संथारा के संबंध में ये बात तो स्पष्ट है कि ये प्रथा है, और पिटिशनर ने भी इस बात को पिटिशन में लिखा है कि संथारा जैन धर्म की एक प्रथा है जी। कोर्ट ने जो गलती की है मेरी राय में, कोर्ट ने ये कहा है कि संथारा को समझने का प्रयत्न नहीं किया। संथारा क्या होता है थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि व्यक्ति की आत्मा पे कर्म के बंधन पड़ जाते हैं, तो कषाय का जो लेप हो जाता है उससे विमुक्त होने के लिए ये संथारा किया जा सकता है, और संथारा करने के लिए आत्मा के, देखिएगा ये जो कंसेप्ट नहीं है जैन धर्म में कि मोक्ष प्राप्ति के लिए संथारा किया जाता है, केवल मात्र जो है आत्म ये शुद्धि मान लो या आत्मा के ऊपर जो है कषाय के जो बंधन है उनको काटने के लिए। तो ये है कि अगर आप एक घंटे के लिए भी संतारा करेंगे तो क्षणवर तो काट ही सकते हैं, तो इस काटते काटते अपने जो है न जाने कितने पूर्व जन्मों में आपको जो है अपने आत्मा में पुरन मरण से जो है मतलब इसका अंजाम मृत्यु तक हो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है जी। दूसरा ये है कि जहाँ तक आपने इस बात को कहा, आचारंग सूत्र और एक रत्नकारण्ड श्रावकाचार्य, तो ये जो आपने बात बतलाई ना ये है रत्नकारण्ड श्रावकाचार्य है, कोई दूसरे सूत्र का नहीं है, 122वां सूत्र है जी। जिसमें ये कहा गया है, पहले एक बात और स्पष्ट कर दूं कि संथारा दो प्रकार का है, एक संथारा वो जो साधु करता है, एक संथारा वो जो श्रावक करता है। तो ये श्रावकाचार्य एक ग्रंथ है, श्रावकाचार्य सूत्र, और दूसरा है ये रत्नकारण श्रावकाचार्य। तो रत्नकारण्ड में ये लिखा है 122वें सूत्र में कि कहीं फेमीन हो, इनक्योरेबल डिजीज हो, वृद्धा अवस्था हो जी, तो इन अवस्थाओं में जो है, आपने ठीक बात कही, इन अवस्था में जो है संथारा किया जा सकता है जी। और ये जो है इसी बात को जो है ज्ञान कौर के केस में और अरुणा रामचंद्र के केस में, जो नर्स का केस था, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है व्हेन द लाइफ इज एबिंग आउट, जब मरणासन्न स्थिति है, जब निकट मौत है, जब मौत के अलावा दूसरा कोई विकल्प शेष नहीं है, तो ऐसी हालत में इसको गरिमा में जीने के अधिकार को माना है कि मृत्यु का अधिकार भी गरिमा पर रूप से वो प्राप्त लेकिन कर सकता है। मेरे एक सवाल है, तो इन चीजों को जो है जो गलती की है वो ये है, उन्होंने ये मान लिया कि ये संथारा जो है मोक्ष प्राप्ति के लिए किया जाता है, सारी गलती वहां से प्रारंभ हुई है, और इसी हिसाब से उन्होंने कहा है। चलिए प्रथा और कुप्रथा एक इसको भी जोड़कर देखा जाना चाहिए कि पेश इस पूरे मामले को किस तरह से कहा गया, क्योंकि कोर्ट ने इसे कुप्रथा की श्रेणी में माना और जैन समाज कहता है कि ये प्रथा है, परंपरा है। फिलहाल ब्रेक का कॉल है, ब्रेक के बाद मानचंद जी आपसे वापसी करेंगे और समझना चाहेंगे कि दरअसल दलीलें जो दी जा रही हैं उसमें और इस प्रथा में क्या फर्क है। पानचंद जी ने जो कहा उस बीच में एक सवाल इच्छा मृत्यु का भी है, भारत का संविधान इच्छा मृत्यु की क्या इजाजत देता है, कानून क्या कहता है। फिलहाल ब्रेक, आप देखते रहिए बिग फाइट चैनल।